दोस्तों, अगर आप ये वीडियो स्किप कर रहे हो तो मेरा कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो तो आप बच सकते हो ऐसे स्कैम से जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे और इज्जत गंवाई है। मैं शुरुआत करता हूँ ऐसी घटना से जिसकी वजह से मैंने ये लॉग बनाया है। कुछ दिन पहले रात के 3 बजे मुझे एक दोस्त का कॉल आता है और वो मुझसे 20,000 की मदद मांगता है। जनरली जब कोई रात को 2 बजे 3 बजे कॉल करता है और पैसे की मदद मांगता है, दो ही वजह हो सकती है, या तो वो कहीं बाहर गया है और स्टक हुआ है, या फिर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसको वजह पूछी, लेकिन उसकी वजह कुछ और ही निकली। उसने मुझे व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा और मुझसे कहा कि ये वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल बैक कर। जब मैंने वो वीडियो देखा, पहले मुझे बहुत गुस्सा आया, उस पर गुस्सा करने का मन किया, लेकिन उस समय उसको सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने उसको कॉल बैक किया और पूरी घटना पता लगाने की कोशिश की। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर लड़की की प्रोफाइल से उसको रिक्वेस्ट आया था, उसने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, फिर उसको हाय हेलो ऐसे मैसेज आने लगे। 4-5 दिन उनकी इंस्टाग्राम पर बातें हुई, फिर व्हाट्सएप के नंबर एक्सचेंज हो गए, व्हाट्सएप पे उसके हाय हेलो के मैसेज आने लगे। एक दिन रात को इसको वीडियो कॉल आता है, ये वीडियो कॉल रिसीव करता है और सामने एक लड़की बिना कपड़ों के कुछ हरकतें कर रही थी। जब तक इसको समझ में आता था 3-4 सेकंड निकल गए थे, इसने वीडियो कॉल तुरंत कट किया और फ़ोन बंद कर दिया। 10 मिनट बाद इसको व्हाट्सएप पे एक वीडियो आता है जिसमें इसका फेस दिख रहा था और वो लड़की दिख रही थी जो बिना कपड़ों के थी, और उसके नीचे इसको एक मैसेज आता है जिसमें डिमांड की जाती है कि हमें 50,000 रुपये चाहिए, वरना ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे और तुम्हारे सारे दोस्तों को रिश्तेदारों को शेयर कर देंगे। शुरुआत में इसे लगा कोई स्कैम है, इसने इग्नोर कर दिया, लेकिन उसके 10 मिनट बाद तुरंत उसके चचेरे भाई का उसको कॉल आता है और वो बताता है कि उसकी वीडियो उसे सेंड की गई है जिसमें इसका फेस दिख रहा है, और फिर इसे मैसेज आता है कि नेक्स्ट वीडियो वो लोग इसके चाचा को शेयर करेंगे। अभी जिसके साथ ये घटना हो रही थी वो पूरी तरह से डरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। उसके पास 30,000 रुपये ऑलरेडी थे, 20,000 की कमी पड़ रही थी, इसलिए उसने मुझे कॉल किया क्योंकि मैं उसका ऐसा दोस्त हूँ जो एनी टाइम उसका कॉल रिसीव कर सकता हूँ और उसे हेल्प कर सकता हूँ। फिर हमने आधा घंटा डिस्कशन किया। हमारा डिस्कशन ये चल रहा था कि ये लोग अभी 50,000 रुपये मांग रहे हैं, क्या हम इनको 50,000 रुपये देंगे तो क्या 50,000 रुपये में ये शांत बैठने वाले हैं? और यही घटनाएं बाहर भी होती रहती है, शुरुआत में 50,000, बाद में 10,000, ऐसा ब्लैकमेलिंग का जो चैन है वो अगर स्टार्ट हो गया तो क्या ये रुकने वाला है? बहुत सारी चीजें सोचने के बाद हमें पता चला कि उनको पता कैसे चल रहा है कि इसका चाचा कौन है, इसका भाई कौन है। फिर हमने उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक की जिसमें इसने फोटोज डाले हुए हैं, सेल्फीज डाले हुए, और उसमें मेंशन किया है विद ब्रदर, विद माय अंकल, विद माय सिस्टर, विद माय फैमिली। तो वो प्रोफाइल जिससे इसको रिक्वेस्ट आया था उसने इन पर नजर रखी हुई थी, इसको पूरा ऑब्जर्व किया था और फिर इसको ट्रैप में फंसा दिया था। हम श्योर नहीं थे कि अगर हम उसको 50,000 रुपये देते हैं तो वो शांत बैठने वाले या नहीं बैठने वाले, इसलिए हमने पैसे नहीं दिए। हमने तुरंत इसका इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, प्रोफाइल प्राइवेट कर दी, इसका फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, प्रोफाइल प्राइवेट कर दी और उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। डर तो इसको 1-2 दिन लग रहा था, लेकिन उसके बाद उनका कोई मैसेज या कॉल उस दोस्त को नहीं आया। ये घटना घटी थी 1.5 महीना पहले, लेकिन पिछले हफ्ते मुझे एक और खास दोस्त का कॉल आता है और उसने बताया कि उसके दोस्त के साथ ऐसा स्कैम हुआ है। उसने मुझे सजेस्ट किया कि लोगों को अलर्ट करने के लिए एक वीडियो बना, जो 50-60 लोग या 100 लोग तुझे देख रहे हैं, अगर वो लोग भी ऐसा वीडियो देखेंगे तो सतर्क रहेंगे। तो दोस्तों, ये स्कैम कैसे होता है? एक पूरा चैन है, एक पूरा ग्रुप है जो पहले आप पर नजर रखता है, फिर आपको ट्रैप में फंसाता है। शुरुआत में अननोन प्रोफाइल से आपको रिक्वेस्ट आएगा, अगर आपने रिसीव किया तो हाय बाय के मैसेज आएंगे, तभी आइडेंटिफाई कीजिए कि हम कोई ऋतिक रोशन तो है नहीं, तो इतनी खूबसूरत लड़की वाला प्रोफाइल हमें फॉलो करे और सामने से हाय हेलो के मैसेज करे, और जिसे हम जानते ही नहीं है उससे बात ही क्यों करनी। सबसे पहली बात, अगर हम अपना कैरेक्टर साफ रखेंगे तो ऐसा स्कैम हमारे साथ होगा ही नहीं। दूसरी घटना जो मेरे दोस्त के दूसरे दोस्त के साथ हुई, उसमें थोड़ा चेंज था। जब उसको वीडियो कॉल आया, उसके ही दोस्त का प्रोफाइल पिक्चर उस नंबर पर लगा हुआ था, तो इसे लगा कि उसका दोस्त वीडियो कॉल कर रहा है, इसने उठा लिया। जब वीडियो कॉल उठाया तो सेम इंसिडेंट हुआ, सामने लड़की बिना कपड़ों के कुछ हरकतें कर रही थी, इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, इसे भेजा, फिर इससे पैसों की मांग की। अभी उसने उस मैटर को कैसे हैंडल किया हमें पता नहीं है, क्योंकि वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरे दोस्त का दोस्त है, लेकिन वाया वाया ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। ये तो मैंने मेरे आसपास घटी हुई घटनाएं आपको बताई, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं डेली बेसिस पर हमारे देश में हो रही है। सैकड़ों लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं, अपनी जान तक गंवा रहे हैं। 18 जनवरी 2024 को एक खबर आती है कि बेंगलुरु में 22 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ऐसे ही ब्लैकमेल किया गया था और उससे 99,000 रुपीज लिए गए।
उसके पास कोई नहीं था शेयर करने के लिए या उसको सजेस्ट करने के लिए कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हम 2024 में है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि बैठे बैठे किसी की जिंदगी आबाद भी हो सकती है और किसी की जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो टेक्नोलॉजी वरदान है, लेकिन टेक्नोलॉजी का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो टेक्नोलॉजी श्राप भी बन सकती है। समाज में कुछ ऐसे लोग भी है जो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके प्रोफाइल को, जो आपके पूरे आइडेंटिटी को चुरा सकते हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे स्कैम से बचने के लिए मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं जो आपको शायद मदद कर सकते हैं कि इस स्कैम में ना फंसे। अगर आप किसी पब्लिक डिवाइस से लॉगिन कर रहे हैं तो काम पूरा होते ही लॉग आउट करें। अगर आपको आपके अकाउंट पर कुछ सस्पिशियस गतिविधि दिखाई देती है तो तुरंत पासवर्ड बदले और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करें। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या एक्सटेंशन को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक ना करें। अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को नियमित रूप से चेक करें और अपनी पर्सनल जानकारी को सीमित करें। ईमेल या मैसेज में आए हुए सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें जो आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो गूगल ने बनाया हुआ है, मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन। अगर आप किसी भी नए डिवाइस में लॉगिन कर रहे हैं और अगर आप वहाँ पर पासवर्ड डालते हैं फिर भी वो OTP मांगता है लॉगिन करने के लिए, उसे कहते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो ध्यान रखिए और अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए ऑन कीजिए, जिससे आपके OTP के बिना या आपके ऑथेंटिकेशन के बिना वो ऐप किसी भी थर्ड डिवाइस में लॉगिन नहीं होगा। आपका अकाउंट हैक होने की सबसे बड़ी वजह है आपका पासवर्ड। अगर आपका पासवर्ड सिंपल रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कोई भी आपका अकाउंट हैक कर सकता है। आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाइए जिससे आपका अकाउंट हैक ना हो। अननोन नंबर से वीडियो कॉल मत उठाइए, और अगर नंबर अननोन है और प्रोफाइल पर आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार का या दोस्त का फोटो है तो वीडियो कॉल कट कीजिए। पहले उसे मैसेज कीजिए, उसकी आइडेंटिटी मांगिए, उसके बाद ही वीडियो कॉल उठाइए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी को पहचानते ही नहीं हो तो सोशल मीडिया पे उससे बात करना ही अवॉइड कर दीजिए। और अगर ये सब करने के बावजूद भी आप ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हो या आपका अकाउंट हैक होता है तो तुरंत पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बताइए और अपने आप तक इस चीज को मत रखिए जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और कोई स्कैम होने से रुक सकता है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए और उनका नुकसान होने से उनको बचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पैडीलॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।